learn single line text. Today we learn multi-line text. Multi-line text, single line text का command था dt enter, multi-line text का command है mt enter. Otherwise, you can find annotation panel here, single line, multi-line. और मेनू बार से आपको मिल जाएगा draw menu bar, then last. लास्ट में सिंगल लाइन मिल जाए. कमांड बार में आप लोग एम टी एंटर कर सकते हो. एम टी एंटर करके स्पेसिफाई फास्ट कॉर्नर पॉइंट पूछेगा कमांड बार में. देन ड्राइंग एरिया में एक क्लिक करना है आपको. देन आपको अपोजिट कॉर्नर पॉइंट डिफाइन करना है. देन टेक्स्ट आपको लिखना है. मेरा नाम लिख रहा हूँ, ठीक. देन इसका टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है या टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना है, ठीक है, कलर चेंज करना है. तो क्या करना है आपको, पूरा सिलेक्ट करना है, ड्रैग करना है. ऊपर जाके फॉर्मेट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा फॉन्ट. फॉन्ट में जाके आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो, ठीक है. वेरियस टाइप से जो चूज करना है आप चूज कर सकते हो. यहाँ से सिलेक्ट, जो सिलेक्ट करना है आपको सिलेक्ट करके टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है. ठीक है, इस तरह हम लोग चेंज कर सकते हैं. यहाँ से चेंज हो गया. देन इसको बोल्ड करना है, कलर कुछ रखना है तो यहाँ पे रख सकते हैं. और यहाँ पे बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं. इटैलिक करना है, इटैलिक कर सकते हैं. जैसे वर्ड एक्सेल में रहता है उस तरह यहाँ पे भी सारे कमांड्स हैं, ठीक है. अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर सकते हैं. ओके, आफ्टर दिस यहाँ पे हम लोग लास्ट करना है. यहाँ पे विवरण में क्लोज एडिटर एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे. अदरवाइज बाहर क्लिक करेंगे तो भी एस्केप हो जाएगा, कमांड से रिलीज हो जाएगा, ठीक है. यह कमांड से रिलीज होगी. तो दो टेक्स्ट हम सीखे हैं, सिंगल लाइन मल्टी लाइन. ये दोनों में डिफरेंशिएट क्या है, डिफरेंट क्या है, डिफरेंट बिटवीन मल्टी लाइन टेक्स्ट एंड सिंगल लाइन टेक्स्ट देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग कलर वगैरह चेंज नहीं कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज नहीं कर सकते हैं. इसमें डायरेक्ट डबल क्लिक करके इसको फिर से हम लोग सिलेक्ट करके देन टेक्स्ट का हाइट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है. टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ एडिट कर सकते हैं. रिबन बार में आ जाते हैं डबल क्लिक करना से. लेकिन इसमें सिर्फ टेक्स्ट को कुछ अलग लिखना है तो लिख सकते हैं. टेक्स्ट का कुछ अलग लिखना है तो लिख सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं लिख कर. चेंज नहीं कर सकते हैं उसका टेक्स्ट फॉन्ट और टेक्स्ट स्टाइल और टेक्स्ट कलर, ठीक है. दोनों डिफरेंट ही है. और क्या है, इसको हम सिंगल लाइन टेक्स्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो लाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी क्या होता है, सिंगल सिलेक्ट होता है. देखो सिंगल लाइन एक सिलेक्ट हुआ, ये लाइन एक सिलेक्ट हुआ. इन मल्टी लाइन टेक्स्ट में क्या होता है, एक बार में सिलेक्ट होता है, ठीक है. मल्टी लाइन टेक्स्ट में एक बार में सिलेक्ट होता है. ये डिफरेंट है आपका सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट में, ठीक है. सिंगल लाइन टेक्स्ट को तो स्टाइल चेंज करना है, टेक्स्ट स्टाइल में जाके चेंज कर सकते हैं. आपको कहाँ मिल जाएगा टेक्स्ट, कहाँ मिल जाएगा टेक्स्ट, टेक्स्ट स्टाइल चेंज करें फॉर्मेट मेनू पर. यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेक्स्ट स्टाइल में क्लिक करेंगे. और यहाँ पे आप लोग को स्टैंडर्ड ही रहने देंगे. यहाँ पे आपको फॉन्ट चेंज करना तो कर सकते हो, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, ठीक है. यहाँ पे हाइट भी चेंज कर सकते हो. यहाँ सेट करंट करना नहीं भूलोगे, सेट करंट करके क्लोज करोगे, ठीक. ये जो लिखा है यहाँ पे बेडरूम में, ये सारे स्टैंडर्ड में लिखा है. स्टैंडर्ड में इसको हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है. चेंज कर दिए, फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर देते हैं, हाइट को भी चेंज कर देते हैं. हाइट बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं यहाँ से, ठीक है. 1 फीट हाइट को दे देते हैं, 1 फीट 6 इंच दे देते हैं, ठीक है. देन यहाँ पे सेट करंट करना है, सेट करंट करेंगे देन क्लोज कर देंगे, ठीक है. देखो अभी चेंज हो गया, थोड़ा इंक्लाइंड हो गया, इटैलिक हो गया और टेक्स्ट स्टाइल भी चेंज हो गया. टेक्स्ट स्टाइल भी चेंज हो गया, देख सकते. स्टेटस बार में हम पढ़े थे यहाँ पे ऑर्थो टगल की जो है, ऑर्थो है ये उसना पे. यहाँ पे आज पढ़ेंगे पोलर टैकिंग यहाँ पे मिल जाएगा. एंगुलर लाइन बनाने में फ़ायदा होता है. देखिए कि लाइन में लाइन कमांड ले रहा हूँ, पोलर टैकिंग मेरा ऑन है, जिसका इस स्टेटस बार पे शो नहीं करेगा, टगल की शो नहीं करेगा पोलर टैकिंग. आप क्या करो, ठीक है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा कस्टमाइजेशन में जाके 3 लाइन में यहाँ पे पोलर टैकिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है. पोलर टैकिंग स्टेटस बार में आ गया. यहाँ पे इसको ऑन करना है तो ये ब्लू कलर हाईलाइट होना चाहिए, जो ऑफ है वो ऐसे फेड फेड है, ठीक है, फेड कलर है.
ब्लू कलर दिखेगा, मतलब ये ऑन है अभी, मेरा पोला टैग ही ऑन है। अभी मैं लाइन कमांड ले गया ऑलरेडी, देन क्या करना है, स्पेसिफाई है पॉइंट, एक पॉइंट डिफाइन किया, देन देखा कर्सर अभी 90 डिग्री में सीधा है तो ग्रीन कलर को शो कर रहा है, देन ये क्या 45 डिग्री में शो कर रहा है, ये आपका एंगल अपने मर्जी से होता है। देखो ये 90 डिग्री में फिर से शो किया, ठीक है, इस तरह आप बना सकते हो। कैसे, जैसे मुझे 45 डिग्री में चाहिए, मान लीजिए मुझे 45 नहीं 25 चाहिए, तो क्या करोगे, यहाँ पे देखो ड्रॉप ड्रॉप डाउन आर में जाके यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है, 45, 30, 90 बाई डिफॉल्ट इतना सेव रहता है। मैं अपने मन से चेंज करना चाहता हूँ तो मान लीजिए 30 30 तो है, 25 चाहिए मुझे, ठीक है, 25 के लिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कमांड आपको बार में लिखना जाके पड़ेगा पोलर पोलर आर एंगल, है, पोलर एंगल एंटर, यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, देन पोलर एंगल एंटर न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू पूछ रहा है, आपको न्यू वैल्यू डालना है ये 25 एंटर, ठीक है, देन नेक्स्ट लाइन लेंगे, लाइन के बाद हम लोग क्लिक करेंगे, देन देखो अभी कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ग्रीन कलर शो कर रहा है 25 डिग्री में, अब क्लिक करना है सिर्फ, ठीक है, अब 25 डिग्री की लाइन एक बन गया है, ठीक है। हम लोग पोलर मोड को ऑन करते हैं तभी ऑर्थो को ऑन नहीं कर सकते, दोनों में एक ही, ठीक है, इधर ऑर्थो को ऑन करेंगे तो पोलर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा और पोलर को ऑन करेंगे तो ऑर्थो ऑफ हो जाएगा। मुझे एक टाइम में सीधा और ये चाहिए पोलर मोड चाहिए, तो दोनों एंगुलर लाइन और स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आप लोग डायनेमिक इनपुट ऑन करके कर सकते हो। डायनेमिक इनपुट में क्या होता है, कर्सर के पास जो भी कमांड लिखना है, जो भी कमांड लेना है, सब कर्सर के पास ही आता है। देखो लिख रहा है स्पेसिफाई फास्ट कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, देन देखो अभी एंगल दिख रहा है, अभी आपको डायमेंशन देना है पहले, कितना डायमेंशन चाहिए, ठीक है, मान लीजिए मुझे 18 फीट चाहिए, ठीक है 18 फीट, देन आपको कीबोर्ड में टैब प्रेस करना है, देन एंगल चेंज करना है आपको 30 डिग्री, मान लो एंटर एंटर करना है, देखो लाइन बन गया अभी, ठीक है, तो पोलर ट्रैकिंग में ऐसे बना सकते हैं हम लोग डायनेमिक इनपुट ऑन करके, ठीक है, देन यहाँ पे आपको डायनेमिक इनपुट और पोलर ट्रैकिंग टॉगल की दो है इसके बारे में, तो डायनेमिक इनपुट का क्या है, भी हम कमांड लेंगे या कुछ भी, सारे कुछ क्या होता है कर्सर के पास ही आता है, क्रॉस हेयर के पास ही रहता है। देखो जो भी कमांड में ले रहा हूँ सब कर्सर, जैसे मैं कुछ भी कमांड सर्कल कमांड ले रहा हूँ, क्या होता है कर्सर के पास होता है, सी एंटर करेंगे, सी एंटर, देखो कर्सर के पास ही कमांड शो करता है, ठीक है, कर्सर हेयर, क्रॉस हेयर के पास ही आपको शो करता है। ये था आपका स्टेटस बार में दो टॉगल की, एक है पोलर ट्रैकिंग, एक है डायनामिक इनपुट। नेक्स्ट हम आते हैं डायमेंशन चेक करेंगे, ये डायमेंशन 18 फीट है कि नहीं, जो लाइन बनाया है ये रूम का साइज 12x9 है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, डायमेंशन चेक करेंगे। डायमेंशन चेक करने के लिए आपको डायमेंशन मेनू बार में मिल जाते हैं सारे कुछ, लिनियर डायमेंशन चेक करना है किसी का, अलाइन डायमेंशन मतलब इंक्लाइन लाइन जो है एंगुलर लाइन इसको चेक करना है डायमेंशन कितना है उसका, किसका एंगल चेक करना है तो एंगुलर लेके, इस सर्कल का डायमीटर चेक करना है कर सकते हैं, किस सर्कल का रेडियस चेक करना है कर सकते हैं यहाँ से, तो आपको मेनू बार में मिल जाता है यहाँ पे डायमेंशन मेनू में, अदरवाइज यहाँ पे आपको एनोटेशन यहाँ भी मिल जाता है लिनियर अलाइन एंगुलर। जैसे मुझे यहाँ पे लिनियर डिस्टेंस चेक करना है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक मेरा 9 फीट है, चेक करना है मुझे तो क्या करूँगा, लिनियर डिस्टेंस यहाँ से लूँगा, देन फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लिक करना है, कहीं पर भी यहाँ पे क्लिक करना है, देन सेकेंड पॉइंट ये करना है, उसना ऑन है इसलिए ग्रीन कलर शो कर रहा है, स्क्रो है, क्लिक करना है, ठीक है, देखो डायमेंशन चेक करो 9 फीट है। उससे पहले आपका डायमेंशन स्टाइल ठीक नहीं होगा तो वो आपको शो नहीं करेगा, थोड़ा ये टेक्स्ट के ऊपर ऐसे जूम करना पड़ेगा तभी शो करेगा, और टेक्स्ट आरो देखो कितना छोटा है दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको डायमेंशन स्टाइल में जाके चेंज करना है, ठीक है, डायमेंशन स्टाइल का कमांड है डी एंटर, अदरवाइज यू कैन फाइंड योर फॉर्मेट मेनू बार डायमेंशन स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मॉडिफाई में जाके इसको चेंज करना है, टेक्स्ट पहले प्राइमरी यूनिट चेक करना है, जो आपका यूनिट मेन से यूनिट सेटअप है वही रखना है, इंजीनियरिंग रखना है इसको 0.0 इंचेस रखना है, ठीक है, मेन मेन यूनिट सेटअप जो जब यूनिट लिमिट सेट किए थे उसी टाइम जो सेट किए थे वही यूनिट रखना है यहाँ पे प्राइमरी यूनिट। देन यहाँ पे आपको टेक्स्ट टेक्स्ट का हाइट आपको बढ़ाना है तो यहाँ पे टेक्स्ट का हाइट बढ़ा सकते हैं, ठीक है, देन सिंबल एंड आरो, आरो का साइज बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो यहाँ से, ठीक है, ठीक है, 10 इंच रख लिया, ठीक है, ओके करना है आपको, ओके के बाद यहाँ पे सेट करंट, सेट करंट करके यहाँ पे क्लोज क्लोज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो ये फिर भी ये ऐसे दिख रहा है तो क्या होगा, इसको अपडेट करने के लिए डायमेंशन में जाएंगे, अपडेट में जाएंगे इसको सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर करेंगे,
अभी आरो साइज बढ़ गया, अपडेट हो गया डायमेंशन में। ओके ये था आपका डायमेंशन स्टाइल, डायमेंशन स्टाइल पहले चेंज कर दोगे देन डायमेंशन चेक करोगे। अभी आएंगे हम लोग, ये इंक्लाइन लाइन का लेंथ था मेरा 18 फीट, बनाने के टाइम एंगुलर लाइन बनाया था डायनेमिक इनपुट ऑन करके, तो इसका चेक करेंगे, चेक करेंगे देखते हैं। यहाँ से लेंगे अलाइन वाला ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड क्लिक यहाँ पे, ठीक है देखो 18 फीट है कि नहीं। तो इस तरह हम लोग डायमेंशन चेक कर सकते हैं लाइन का, मान लो इसका लीनियर डिस्टेंस कितना है वो कैसे चेक करेंगे, लीनियर लेंगे, लीनियर लीनियरली इसको चेक करेंगे तो कितना होता है देखते हैं, 15 फीट 7 इंच। एक लाइन जो है इसका अलाइन डायमेंशन चेक करेंगे तो 18 फीट है, और लीनियरली देखते 15 फीट 7 इंच है, ठीक है। और मान लो एक सर्कल है उसका रेडियस चेक करना है या एंगल चेक करना है, जैसे कि लाइन का एंगल कितना है चेक करना है। पहले तो मैं एक रेफरेंस लाइन डाल दूंगा, पहले तो मैं एक रेफरेंस लाइन डाल देता हूँ यहाँ पहले, ठीक है। अभी इसका एंगल चेक करने के लिए फ़ायदा होगा, जैसे कि यहाँ पे आते हैं एंगुलर ऑप्शन लेंगे, फर्स्ट सिलेक्ट लाइन कोई भी ये भी लाइन सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ, ठीक है। इसका 25 बनाए थे हम लोग, 25 फीट, ठीक है। इस तरह एंगल चेंज कर सकते हो, मान लो मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का रेडियस चेक करना है तो फिर यहाँ से आके रेडियस लेना है, सर्कल को सिलेक्ट करना है, देन प्लस डायमीटर सर्कल को सिलेक्ट करना है, ठीक है, देन जहाँ पे रखना है आपको सिर्फ क्लिक करना है उस, ठीक है। इसका देखते हैं अलाइन लिनियर डायमेंशन कितना है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट प्लेस करना है वर्टिकली, ये वर्टिकल डायमेंशन कितना है, इसको हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कितना है, ठीक है। इस तरह हम लोग डायमेंशन चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे मॉडिफाइड टूल्स में फिलेट चैम्फर ये सारे कमांड। मेरे साथ जुड़े रहो, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज, थैंक यू, कमेंट, शेयर।